ये बात मेरी गांव की है। जब मैं छुट्टियों में गांव घूमने गया था, मेरे गांव में एक पुरानी खंडहर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहां कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताया। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाता हूं और उस खंडहर हवेली के सामने पहुंच जाता हूं। वहां दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहां अगल बगल कोई रहता कोई नहीं, बल्कि लोग इस रास्ते भी आ जा नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्तों ने बताया, ये हवेली सिर्फ पुरानी और खंडहर नहीं है, बल्कि ये हवेली एक भूतिया श्रापित हवेली है। मैं बोला, ऐसा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना यहाँ प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी, उनका नाम सुलेखा था। उस समय डाकुओं के खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती थी, उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नजर पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हा कर दिया। फिर एक दिन वो भी आया जो जमींदार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। डाकुओं ने एक दिन जमींदार के हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं के हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े, क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे। वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी और अच्छे हथियार के साथ लैश थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाला। ये सब जमींदार देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाए, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपने पत्नी को एक कमरे के अंदर एक और खुफिये कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए, जिसमें जमींदार की मौत डाकुओं के हाथों हो गई। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर वो नहीं मिला। फिर डाकू वहां से हवेली का कीमती सामान लेकर वहां से चले गए, पर जमींदार की पत्नी जो एक खुफिये कमरे बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई। उसके मरने के बाद उसकी लाश की बदबू से लोग हवेली में गए और उस कमरे को तोड़कर उसके लाश को वहां से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतजार उस कमरे करती है।
उसका पति कभी तो आएगा और उसे उस कमरे से आजाद करेगा। और आज भी उसे उसके हवेली में घुसपैठिए या उसके बिना इजाजत के अंदर आने वालों को सजा देती है। मैंने अपने दोस्तों ये कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार तुम लोग भी न कब की बात आज तक लेकर बैठे हो? इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहां रुकने की गलती की थी, जो आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ था। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली। मैंने बोला, ये हादसा भी हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए रुक जाता है, जो सुबह जिंदा उस हवेली से तो बाहर आ जाता है पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वो आज तक पागल है। ये सब बातें सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहां से घर चले गए और दोबारा फिर मैं कभी उस हवेली को देखने नहीं गया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।